साउथ अफ्रीका के छोटे उम्र में सबसे दिग्गज खिलाड़ियों में शुमार कगिसो रबाडा आज उच्च कोटि के गेंदबाज हैं। साउथ अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में जन्मे 25 मई 1995 को कगिसो रबाडा, जो कि अपने निकनेम केजी के नाम से भी जाने जाते हैं, रबाडा ने अपने डोमेस्टिक करियर की शुरुआत साल 2013 में करी थी। दिसंबर में ग्वाटांग टीम के लिए CSA प्रोविजनल वनडे कंपटीशन में बॉर्डर टीम के खिलाफ खेलते हुए, जिसके बाद वह साल 2014 में चूज करे गए थे साउथ अफ्रीका टीम के लिए 2014 के ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप में खेलने के लिए। कगिसो टूर्नामेंट के दौरान सेकंड बेस्ट बॉलर के तौर पर साबित हुए। उनके अकेले के 14 विकेट्स रही इकोनॉमी रेट 3.10 के साथ। साथ ही वह टूर्नामेंट के दौरान बेस्ट बॉलिंग फिगर पाने वाले अकेले गेंदबाज बने, जिसने 625 का फिगर अपने नाम करा अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ए टीम के विरुद्ध खेलते हुए। अपने वर्ल्ड कप के शानदार सीजन के कारण वह लायन फ्रेंचाइज के साथ जुड़े, जिसके चलते उन्हें सन फॉइल सीरीज सीजन की लास्ट दो गेम्स में खेलने का मौका मिला। रबाडा ने 186 रन दिए 7 विकेटों के साथ इस सीरीज में। 2016 के फरवरी में रबाडा को एक शॉर्ट टर्म डील के चलते काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए साइन कर लिया गया केंट काउंटी क्रिकेट क्लब की तरफ से, जून जुलाई में होने वाले इंग्लिश डोमेस्टिक सीजन में खेलने के लिए, जिसके कारण उन्हें अपना IPL खेलने का चांस उस साल का गंवाना पड़ा। लेकिन उन्हें इंग्लिश कंडीशंस को समझने का बहुत अच्छा मौका मिला। IPL चाहे कोई भी एक बेहतरीन बल्लेबाज हो या फिर कोई बेहतरीन गेंदबाज हो, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। रबाडा 2016 में तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा पाए, लेकिन वह साल 2017 के IPL के ऑक्शन के दौरान दिल्ली कैपिटल्स के द्वारा 5 करोड़ की रकम से खरीदे गए, जिसके बाद वह साल 2018 में भी दिल्ली के साथ ही जुड़े रहे। लेकिन अपनी बैक इंजरी के कारण उन्हें गेम बीच में ही छोड़ना पड़ा, जिसके बाद वह 2019 में भी दिल्ली की तरफ से ही खेलते हुए मैदान में दिखे। 2019 के सीजन के दौरान उन्होंने 12 मैचेस खेले, जिसमें रबाडा ने 25 विकेट अपने नाम करी और वह 2019 के सीजन के दौरान दूसरे नंबर के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने, जिसके कारण दिल्ली कैपिटल्स 2019 में प्लेऑफ में भी अपनी जगह बनाने वाली टीम बनी 2012 के बाद सीधा 2019 में। 2020 के IPL सीजन के दौरान भी रबाडा का बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा था। वह हाईएस्ट विकेट टेकर रहे, जिसने 17 मैचेस खेलते हुए 30 विकेट अपने नाम करी थी। रबाडा ने अपना ODI डेब्यू बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए करा 10 जुलाई 2015 को, जिसमें रबाडा ने 6 विकेट लेने पर सिर्फ 16 रन दिए और साथ ही तैजुल इस्लाम के बाद दूसरे गेंदबाज बने जिसने अपने डेब्यू वाले दिन ही हैट्रिक अपने नाम करी अपने ODI डेब्यू में। रबाडा ने अपना टेस्ट डेब्यू इंडिया के खिलाफ करा 5 नवंबर 2015 को इंडिया के खिलाफ खेलते हुए एंड T20 डेब्यू ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए 5 नवंबर 2014 को। 2015-2016 के इंग्लैंड टूर के दौरान फोर्थ टेस्ट मैच में रबाडा ने 13.144 का फिगर अपने नाम करा और टीम को मैच जितवाया। इस टूर के दौरान रबाडा यंगेस्ट साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर के खिताब अपने नाम कर पाने में कामयाब हो पाए, जिसने 10 विकेट हॉल का रिकॉर्ड अपने नाम करा। साउथ अफ्रीका की टीम का बेस्ट रिकॉर्ड मेकर मखाया नितिनी के रिकॉर्ड 13.132 के बाद, जिसके बाद अपनी 2017 के इंग्लैंड ODI टूर के तीसरे मैच में 439 के फिगर से अपनी टीम को जिताने के बाद वह ICC की ODI रैंक में सबसे ऊपर आ गए क्रिकेटर इमरान ताहिर को पछाड़ने के बाद। रबाडा ऐसा कर पाने वाले दूसरे गेंदबाज बने जिसने यंगेस्ट एज में ODI की रैंकिंग में सबसे ऊपर अपनी जगह बनाई। इससे पहले सकलीन मुश्ताक थे, जिसने साल 1998 में यह रिकॉर्ड अपने नाम करा था। साल 2018 में श्रीलंका के खिलाफ खेलते हुए रबाडा ने हमारे देश के अव्वल दर्जे के गेंदबाज हरभजन सिंह से यंगेस्ट बॉलर जिसने 150 विकेटें चटकाई हैं अब तक टेस्ट मैच के दौरान खेलते हुए वह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, जिससे वह साउथ अफ्रीका के तीसरे गेंदबाज बने हैं जिसने 150 टेस्ट विकेट्स का रिकॉर्ड
अपने नाम करा है। रबाडा आज वर्ल्ड के टॉप गेंदबाजों में शामिल है जिसने इतनी यंग एज में इतना कुछ अचीव कर लिया है। हमें भी उनसे ये सब सीखना चाहिए और उन्हें एज अ इंस्पिरेशन के तौर पर देखना चाहिए। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।